Please subscribe to our channel P Bros for more interesting videos and press bell icon for latest updates. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये रेडमी नोट 7 प्रो मोबाइल का। इसके बेसिक फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप बेसिकली आता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्यूअल रियर कैमरा आता है। इसमें स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर दिया है, 6.3 इंचेस का फुल एचडी स्क्रीन आता है और 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी आता है। तो इसकी इन डिटेल्स हम सारे डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली कैसे फ़ोटो आता है, क्या क्या एक्सेसरीज आती है इस मोबाइल के साथ, वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये मोबाइल मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जो जबकि आप देख सकते हो एमआई स्टोर के पैकिंग में आ गया है ये। तो फटाफट हम ये ओपन करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले। तो बैकग्राउंड में हम ये डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मैंने ये जो यूज़ करने के लिए स्टार्ट किया था, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आए नहीं आए, क्या क्या अच्छे फीचर्स उसके मुझे दिखे, वो डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड में। तो चलो बीच में हम ये ओपन करते हैं। ये बॉक्स आता है ऐसे, रेडमी नोट 7 प्रो का ये स्टैंडर्ड बॉक्स आता है। हम देख सकते हैं ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर किया था वो मैंने बाद में सेल करके मैंने दूसरा लिया, क्योंकि वो जो कलर मुझे अवेलेबल कलर मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने बेच के नया लिया था। तो ये जो है मोबाइल, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया था। ये देख सकते हैं आप, ये मेड इन इंडिया है MI, जबकि चाइनीज़ कंपनी है, बट इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही हुआ है। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड बॉक्स आता है इसका। ये यहाँ पे सारी डिटेल्स, क्या क्या ये बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये थोड़ा ओपन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो स्टॉप करके ओपन किया। ये आप देख सकते हैं, ये अपना रेडमी नोट 7 प्रो। तो ये सिम इजेक्टर पिन है इसमें आती है, ये कुछ बेसिक से मैनुअल्स हैं, यूजर मैनुअल्स। ये इसका ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर आता है, वो भी बॉक्स में ही इंक्लूडेड है। ये अपना फोन, इसके साथ ये USB स्टैंडर्ड चार्जर आता है। जबकि ये फास्ट चार्जर नहीं है, फास्ट चार्जर आपको चाहिए तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड चार्जर आता है, बट इससे भी नॉर्मल चार्जिंग अच्छे से हो जाती है। और ये चार्जिंग की केबल है, ठीक है। तो ये है अपना रेडमी नोट 7 प्रो। ये ब्लू कलर है, देख सकते हो इसको, टच जो सेंसर है वो पीछे दिया गया हुआ है, जो कि इनबिल्ट स्क्रीन में नहीं है। ये बटन से ये चार्जिंग का पोर्ट है, नॉर्मल वॉल्यूम अप डाउन का बटन, लॉक का बटन। तो चलो हमने स्टार्ट किया है, हालांकि स्टिकर मैंने अभी तक निकाला नहीं था, क्योंकि कलर मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी उसमें रिमूव नहीं किया है स्क्रीन गार्ड उसका, क्योंकि मुझे या तो वो रिटर्न करना है या फिर मैं बेच दूंगा। ये तो मैंने बेच ही दिया था, मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ। तो इसको MIUI 10 के साथ आता है ये, इसीलिए यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही आपको पूछेगा फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा था, फिलहाल तो मैंने अभी निकाल दिया है स्क्रीन गार्ड। बेसिक सेटिंग्स ये पहले आपको बहुत सारी करनी होगी, जो कि आसान है। तो इसका UI मुझे बहुत पसंद आता है, जो भी MI का बाकी एंड्रॉयड जो भी आप ले लो उससे मुझे तो ये ही बेटर लगता है, कि MI के कोई भी बेसिक से बेसिक मोबाइल का भी जो
UI होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये हम फोटो क्वालिटी चेक करेंगे, आप देखोगे थोड़ा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कैमरा दिया गया हुआ है, सोनी का कैमरा दिया गया हुआ है। तो इसके कैमरे की अब हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड क्वालिटी के इसमें फ़ोटोज़ आते हैं। इसका एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, ये इतना अच्छा नहीं है। तब थोड़े बॉर्डर्स आपको एनॉय करते हैं, ये पूरा स्क्रीन जैसे आप बाकी फ़ोन्स में कुछ जैसे आईफोन है या फिर वन प्लस है, उसके जैसा बॉडी टू स्क्रीन रेशियो नहीं है। बट इसके जो फ़ोटो हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं, और इसकी फ़ोटो क्वालिटी जो है वो आप इवन वन प्लस के फ़ोटो क्वालिटी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। और ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम फ़ोन के तरह ही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।